जिंदगी की किताब में एक नया चैप्टर सा था कॉलेज। नए लोग, नई जगह, एक नए पन्ने पे नई कहानी। मगर इस भीड़ के बीच वो कॉलेज का पहला दोस्त, जिसका मिल जाना मानो किसी पुरानी याद के हाथ पकड़ लेने जैसा था। हाँ, शुरुआत में असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट स्टेटस तो थे ही, मगर वैविध्य का हिस्सा होना खुश नसीबी थी। भला वो दिन कैसे भूल सकती हूँ। हाँ, स्टेज ऊंचा था, लेकिन जितना प्यार मिला उससे तो कॉन्फिडेंस डबल ऊंची हो गई। सिम्मी के लोकल ने स्पीड पकड़ी ही थी कि खबर मिली, बिग बी से मिलने केबीसी जाना है। उस दिन खुश तो बहुत थी मैं। पहले कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन कैमरा से दोस्ती हो ही नहीं पा रही थी। अब हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और इस सब के बीच हॉस्टल, जो कुछ स्काई डाइविंग जैसा था। शुरुआत में डर तो लगा, लेकिन उसकी यादें ब्राइट सी स्माइल दे जाती हैं। न जाने कितने कॉन्फ्रेंस कॉल्स किए, कभी असाइनमेंट, कभी एग्जाम, तो कभी फरमाइश जाने की ख्वाहिश। देखते देखते पहला सेमेस्टर खत्म, दूसरा सेमेस्टर शुरू हुआ ही था कि भाग दौड़ करनी पड़ी। भागते भागते कभी वेयर्स द रश पूछा, तो कभी बुलंद बाईस बन गए, सांस लेने के लिए रुके ही थे। और उस दिन एक के बाद एक क्रम में बस अनुक्रम छा गया। और तभी फोन की घंटी बजी, अपने होमीज के साथ होम ढूंढने की बारी थी। इस सफर में कभी साथ मिलकर फिल्मों में काम कर लिया, तो कभी साथ मिलकर क्लास में ही फिल्में देख ली। और ऐसे ही देखते देखते फर्स्ट ईयर कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला।